हेलो एंड वेलकम टू क्या आप जानते हैं कि 3XO के अलावा किसी भी और सब फोमीटर एस यूवी में 10 लाख ,00 रुपीज के अंडर टॉक कन्वर्टर या डुअल क्लच टाइप फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता खैर अगर आप न्यू एक्स्यूवी 3XO पेट्रोल लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरियंट चूज कर पाएंगे एक्स्यूवी थ्री के वेरियंट एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जैसे इसके प्राइसेस इंजन स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशन ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस कार के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसके प्राइसेस लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्ग रहेगा एक्सवी थ्री एक्सो लाख प्राइसिस से स्टार्ट होते हैं

इन दोनों केसेस में पीक टॉक 200 हंड्रेड मीटर से ज्यादा है और इनका आउटपुट इस सेगमेंट की सभी पेट्रोल एस से बेटर है क्लेम्ड एफिशियं टाइगर को छोड़ के बाकी सभी कार से ज्यादा है लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन केस में ब्रेजा सबसे ज्यादा फ्यूल कार है कंपेयर टू इट पेट्रोल्स वन पी एस थ्री एक्सो का पावर और टॉक आउटपुट

XUV3, XO, एक B2 SUV है और इसकी इसका व्हील बेस बाकी सभी कार से बड़ा है थ्री एक्सो की टू हंड्रेड वन एम एम की ग्राउंड क्लियरेंस अब वेन्यू और ब्रेजा से ज्यादा है और इसमें अपटू सेवेंटीन इंच व्हील्स मिलते हैं लार्जेस्ट इन द सेगमेंट चलिए है थ्री एक्स ओ का एम एक्स वन वेरियंट सिर्फ हंड्रेड इलेवन पी एस पेट्रोल इंजन और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है और इसका प्राइस सेवन पॉइंट लाख रुपीज है स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा इस वेरियंट में साइड कर्टन एयर बैग्स प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स भी हैं ऑल पावर विंडोज स्टेयरिंग मोड्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ वी एम्स फ्रंट आर्म रेस्ट रियर रेसीवेंट्स और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स

अगर आप बजट पे हैं और 3X0 में पेट्रोल मैनुअल पावरट्रेन ही ले रहे हैं तो आपको इसका MX1 वेरिएंट लेना चाहिए या अपग्रेड करना चाहिए इसका आंसर हम इस वीडियो में आगे देंगे 3X0 MX1 से MX2 Pro वेरिएंट का अपग्रेड भरना 1/2 लाख रुपए का है MX2 Pro में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है जिसकी अपग्रेड कॉस्ट 1 लाख रुपए है इस वेरिएंट में 10.25 इंच टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है

दोनो बजट इस वेरियंट को लेने से बेटर होगा कि आप बेस वेरियंट लेके उसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करवाएं अगर आप थ्री एक्सओ में कोई वाला लेना चाहते हैं तो आपको एमएक्स टू प्रो वेरियंट लेना चाहिए या नहीं इसका आंसर हम वीडियो में आगे देंगे थ्री एक्स ओ एमएक्स टू प्रो से एमएक्स थ्री वेरियंट का अपग्रेड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में अपग्रेड कॉस्ट वन लाख रुपीज है एमएक्स थ्री ऑटोमेटिक की कॉस्ट टेन लाख रुपीज से ज्यादा है तो कई स्टेट्स में इस पर एम एक्स टू प्रो के कंपेरिजन में ज्यादा टैक्स लगेगा एंड एज अ रिजल्ट इन दोनों वेरियंट्स के ऑन रोड प्राइस में वन पॉइंट फोर जीरो लाख रुपीज तक का डिफरेंस भी हो सकता है एम एक्स थ्री वेरियंट में इंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी क्रूज कंट्रोल और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे फीचर्स एड होते हैं आप अभी टेबल में इस वेरियंट में एड सभी फीचर्स देख सकते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स के लिए एम एक्स थ्री वेरियंट पर अपग्रेड एक्सपेंसिव है इवन विद द मैनुअल ट्रांसमिशन तो हम सभी बायर्स को रिकमेंड करेंगे कि वो एमएक्स थ्री वेरियंट अवॉइड करें अगर आप बजट पर थ्री एक्स ओ ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो एम एक्स थ्री वेरियंट लेने से बेटर है एम एक्स टू प्रो वेरियंट लेके उसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करवाना चलिए नेक्स्ट वेरियंट की डिटेल्स देखते हैं

ट ऑल्सो गेट्स कनेक्टेड कार्टेक एंड फीचर्स लाइक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डोल जोन ऑटो एसी कीटन स्टार्ट स्टॉप इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल्स हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ऑटो हेडलैम्स रेन सेंसिंग पाइपर्स रियर थर्ड हेडरेस्ट सिक्स इंच एलोय लेदर आर्ट स्टेयरिंग व्हील एंड रूफ रही फीचर्स देख सकते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग ए एक्स फाइव वेरियंट एम एक्स थ्री प्रो वेरियंट पे अपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट इजिल जस्टिफाई करता है टली हवा ये बाकी सभी लोअर वेरियंट्स के कंपेरिजन में भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इस वेरियंट में मोस्ट ऑफ द मस्ट है लोअर वेरियंट्स तो हमारे अकॉर्डिंग वो वेरियंट है जो सभी बायर्स की नीड्स फुलफिल करेगा चलिए थ्री एक्सो में सभी वेरियंट्स में ज्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन आता है 3XO में, X5 से X5 एल वेरिएंट का अपडेट 1.30 लाख रुपीस का है इस वेरिएंट में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ब्लाइंड बी मॉनिटर ऑटोमेटिक IRVM इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और कूल्ड क्लब बॉक्स जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के अलावा एडस्ट रिलेटेड फीचर्स भी आते हैं जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट आप अभी टेबल में X5 L वेरिएंट के सभी एडिशनल फीचर्स देख सकते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग AX5L वेरिएंट के फीचर्स और इसकी पावर ट्रेन का परफॉर्मेंस अपग्रेड 1.30 लाख की की वैल्यू वैल्यू तो इजीली जस्टिफाई करता करता है। है। ये अभी तक की सभी लोअर वेरिएंट वेरिएंट से बेटर ऑफर एंड इफ यू वांट टू टू अपग्रेड दिस तो आपको ये अपग्रेड कर लेना चाहिए बिसाइड्स अपग्रेड इस वेरिएंट में एलईडी फॉग लैंप्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जैसे सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स एड होते हैं इनके अलावा ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम व्हील्स इस वेरियंट के बाकी इंपॉर्टेंट एडिशनल फीचर्स हैं आप अभी टेबल में, में फीचर्स देख सकते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग सेवन वेरियंट में एडिड फीचर्स और परफॉर्मेंस अपग्रेड एक्स फाइव वेरियंट के ऊपर अपनी इंट्रीमेंटल कॉस्ट जस्टिफाई करते हैं सो अपग्रेड टू ए एक्स सेवन इज रेकमेंडेड ये वेरियंट एक्स फाइव एल के कंपैरिजन में स्लाइटली कम वैल्यू ऑफर करता है बट द कॉम्प्रोमाइज इज सो लिटल के इन दोनों वेरियंट में से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी वेरियंट ले सकते हैं ऐसे बायर्स जो एडास रिलेटेड फीचर्स पर स्पेंड नहीं करना चाहते लेकिन थ्री एक्सो का कोई फीचर एच वेरियंट ही लेना चाहते हैं उनके लिए ए एक्स सेवन वेरियंट सुटेबल है फॉर दोन फील गुड फीचर बट वॉन्ट एडस एल ले सकते हैं अगर आप ए डैश टैग भी चाहते हैं और सभी फीचर्स भी चाहते हैं तो ए एक्स सेवन एल वेरियंट कंसिडर कर सकते हैं चलिए उसकी डिटेल्स देखते हैं थ्री एक्स ओ एक्स सेवन से ए एक्स सेवन एल वेरियंट काफ लाख रुपीज का है अपार्ट फ्रॉम द ए डैश स्वीट ऑफ द थ्री एक्स ओ इस वेरियंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड थ्री सिक्सटी डिग्री पार्किंग कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर्स भी आते हैं आप अभी टेबल में ए एक सेवन एल वेरियंट में एडेड सभी फीचर्स देख सकते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग एक सेवन एल वेरियंट एक सेवन के ऊपर अपनी करता है सो इफ यू वॉन्ट द मोस्ट फीचर रिच वर्जन ऑफ दी एक्सो तो वैल्यू वाइज आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा एंड यू कैन बाय इट चलिए अब इसके सभी वेरिएंट सम अप करते हैं सो तो आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाए लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए महिंद्रा ने थ्री एक्सो का एंट्री लेवल प्राइस अग्रेसिव रखा है और अगर आप बजट पर हैं और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसका कोई अफोर्डेबल वेरिएंट ही लेना चाहते हैं तो आपको एम एक्स वन ले लेना चाहिए इसे लेके आप इसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करवा लें ऐसे बायर्स जो बेसिक फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते लेकिन वैल्यू पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उनके लिए एक्स फाइव वेरियंट बेस्ट ऑप्शन है ऑल्दो ये थ्री एक्सो का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट नहीं है लेकिन फिर भी हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरियंट है क्योंकि ये वैल्यू और यूजफुल फीचर्स का बेस्ट बैलेंस ऑफर करता है और मोस्ट बायर्स की नीड्स फुलफिल करेगा अगर आप AX5 के ऊपर बजट स्ट्रेच कर सकते हैं तो अपनी चॉइस के बेसिस पे AX5L, AX7 या AX7L में से कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हैं क्योंकि ये सभी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं अगर आपके लिए एडास का होना इंपॉर्टेंट है तो AX5L या AX7L में से कोई भी वेरिएंट ले लें अदरवाइज AX7 ले सकते हैं ट्रांसमिशन के केस में टू प्रो वेरियंट बजट बायर्स के लिए सूटेबल है लेकिन बजट हायर वेरियंट्स तक स्ट्रेच नहीं करना चाहते और इस चक्कर में वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ये थ्री एक्सो का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट नहीं है लेकिन फिर भी हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरियंट है क्योंकि ये वैल्यू और यूजफुल फीचर्स का बेस्ट बैलेंस ऑफर करता है और मोस्ट बायर्स की नीड्स फुलफिल करेगा ऐसे बायर्स जो वैल्यू पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते फीचर एच वेरियंट भी चाहते हैं और बजट हायर वेरियंट पे भी स्ट्रेच कर सकते हैं तो अपनी चॉइस के बेसिस पे पेल सेवन यावन एल में से कोई भी वेरियंट चूज कर सकते हैं क्योंकि ये सभी वेरियंट्स एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर मनी ऑफर करते हैं अगर आपके लिए एडास का होना इंपॉर्टेंट है तो एक्स फाइव एल या एक सेवन एल में से कोई भी वेरियंट ले लें अदरवाइज एक्स सेवन ले सकते हैं चलिए अब थ्री एक्सो के कलर देखते हैं। में एट मोनोटोन कलर्स अवेलेबल हैं येलो ग्रीन बेज, वाइट ग्रे ब्लू ब्लैक और रेड इनमें से बेस एमएक्स वन वेरियंट सिर्फ तीन कलर्स में आता है व्हाइट ब्लैक और ग्रे और एम एक्स टू एंड एमएक्स थ्री वेरियंट्स में सभी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्सेप्ट येलो येलो कलर सिर्फ ए एक्स फाइव और ए एक्स सेवन वेरियंट्स के साथ अवेलेबल है और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो वी होप इसे देखने के बाद आप एक्स यूबी थ्री एक्सो पेट्रोल का राइट वेरियंट चूज कर पाएंगे अगर थ्री एक्सो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशन है तो प्लीज में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट वी थ्री काज डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं